केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम ने शहर में किया फ्लैग मार्च, वाहनों की ली गई तलाशी, तो वहीं बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर हुई कार्यवाही। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने इन दिनों शहर की पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है, तो वहीं इसमें पुलिस का साथ निभा रही है केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम। शनिवार को केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, तो वहीं शहर के व्यस्ततम इलाकों में पहुंचकर पुलिस ने वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर भी कार्यवाही की गई। देर रात तक चले इस अभियान में सड़क के किनारे आवारा घूम रहे लोगों की भी तलाशी ली गई। हम आपको बता दें कि पुलिस का ये अभियान आदर्श आचार संहिता के पालन और चुनाव के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोकने के उद्देश्य से किया गया, जो आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। इस बारे में एडिशनल SP आशुतोष गुप्ता ने हमें बताया। राजेश भैया पीछे चले, ठीक है ना, पूरे नंबर यहाँ वहाँ देख रहे हो। आज जो है पूरे दल बल के साथ आज पूरे शहर का जो है भ्रमण किया गया। शहर भर में जितने भी असामाजिक तत्व मिले उन सभी को जो है थाना सिविल लाइन लाकर पूछताछ करके सर कहाँ कहाँ ये कार्रवाई की गई है और कितने समय? शिल्पी प्लाजा में करी गई है, देखा में, सिरमौर चौराहा, अपना अस्पताल चौराहा, धोबिया टट्टी, पूरे शहर भर में। इसी सब सर लगभग कितना पुलिस बल लगा हुआ? करीब करीब इसमें 100 का पुलिस बल। कब से कब तक चलेगी सर ये कार्रवाई? ये कार्रवाई अब निरंतर चलेगी, इलेक्शन में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और इसको देखते हुए ये कार्रवाई की।